हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं EDS Pro 8 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं EDS कंपनी की मेन साइट पे, जो कि अब यहाँ पर ग्रास वैली साइट से हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर इससे रिलेटेड कई सारी हेल्प के लिए आपके सामने कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर पूरा मैनुअल आपको दिया गया है, जिसी चीज़ के कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा मिनिमल स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके कई सारे अन्य सब ऑप्शन मिलते हैं। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके लिए आपको ज़रूरी है। इसके लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट में तीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करता है। सबसे पहला आपका है विंडोज 7 64-bit, जिसमें सर्विस पैक 1 या इससे बाद की विंडो होनी अति आवश्यक है। यदि इससे पहले का वर्जन कोई है तो आपका EDS 8 वर्क नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा जो विंडो 8 वर्जन है वो 64-bit होना चाहिए और उसका विंडोज 8.1 64-bit वर्जन पे काम करता है। और विंडोज 10 के साथ भी ये प्रॉपरली काम करता है, ये विंडो 10 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करें वो 64-bit होना ही चाहिए EDS Pro 8 के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नई नई ट्यूटोरियल से हम आपको परिचित करा पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।